तो भाई नितेश कभी भी छोटे चिप्स के पैकेट नहीं खरीदता, ये देखो इसके मुंह से भी कितना बड़ा पैकेट है ये। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम चैनल। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखाएंगे कि मेलबर्न में ग्रोसरी शॉपिंग कैसी होती है। सिमिलर ही होती है, ठीक है, प्राइस वगैरह का ज्यादा डिफरेंस होएगा नहीं, बट एक सेकंड दिखाएंगे ना अच्छे से शॉपिंग कैसे करते हैं। हाउसमेट्स है, तीन चार ही आराम से शॉपिंग करते हैं, मतलब नितेश करेगा अपनी, बाकी मतलब मुझे पता नहीं कुछ, तो देख लेते हैं आज क्या प्रोग्राम है। दिस इज आवर बॉय नितेश, ये देखो स्टूडेंट है, इतनी बढ़िया बढ़िया गाड़ी ले रखी है इन्होंने, मानेंगे नहीं भाई। अरे रुक जा। और क्या हाल है, गुड मॉर्निंग नितेश, हाउ इज इट गोइंग? गुड माइट। आज देखते हैं भाई क्या प्रोग्राम है। यहाँ पे ग्रोसरी शॉपिंग कैसी होती है, सेम ही होगी ना, सिडनी जैसी फर्क तो होगा ही। हाँ, बस हम लोग जाएंगे इंडियन स्टोर पे ना, वहाँ पे वेजिटेबल्स सस्ते मिलते हैं। बस ये थोड़ा सा डांगरों की तरह खाते हैं तो फिर ज्यादा ही लेना पड़ेगा ग्रीन वेजिटेबल्स। और भाई ये बोलता है कि डाइट करेंगे, जिम चलेंगे, कहीं नहीं जाते भाई, हम यहीं रहते हैं। और मेरी ना प्रॉब्लम क्या आ रही है, आजकल मेरी उबर ही नहीं चल रही पिछले दो दिन से, तो मेरा मूड भी ऑफ है, फिर और भी जॉब्स अप्लाई करनी है, तो थोड़ा सा ना लगा पड़ा है, इसलिए काम भी नहीं कर रहे, पूरे दिन घर पे ही पड़ रहे थे। और आज 33 degrees हो रहा है ना, 32 इस वाले 30 एक ही तो बात है, 33 degrees में उबर भी नहीं होती दिन में, सिर्फ फट जाता है भाई। करने वाले कल तो करते हैं। ये भाई शमशान घाट। अरे रोक दे भाई, मेलबर्न में बम्पर टू बम्पर चलाते हैं क्या? नो, तू बम्पर टू बम्पर चला। मैं तो भाई दूर रखता हूँ, गैप रखता हूँ। अभी यहाँ पे क्या होता है, आपको गाड़ी वहाँ रोकनी चाहिए जहाँ पे आपको अगली गाड़ी के टायर दिख रहे हैं, दैट्स द रूल, ताकि एम्बुलेंस वगैरह आए, आपको टर्न लेने में इजी हो, पुलिस आए तो नहीं। हम जब तक नंबर प्लेट गायब नहीं तब तक रोकते नहीं। गलत है भाई, सी एम्बुलेंस के लिए और पुलिस वालों के लिए हमेशा जगह बचा के रखनी होती है, कहीं से भी निकलना पड़ता है बदल कर। जो इंटरनेशनल लाइसेंस पे है वो लोग ये ध्यान रखें, हम लोग फुल लाइसेंस वाले। नहीं, इसके पास विक्टोरियन लाइसेंस है, ऑस्ट्रेलियन। चलो अभी ग्रोसरी करते हैं, बाकी बात तो चलती रहती है हमारी। ये देखो आपके आगे लटरोब यूनिवर्सिटी, ठीक है, मतलब ये तो एक ही पार्ट है और बहुत बढ़िया है ना। बहुत बढ़िया भाई, 350 फुटबॉल ग्राउंड्स। ये देखो ये कोलैबोरेशन भी हो रही है। तो तूने कौन सा कोर्स करा था? मास्टर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा, बता दिया था हमने। और कैसा लगा एक्सपीरियंस लटरोब में पढ़ के? अरे बहुत महंगा यार, जीओ छेद हो गया भाई, इतनी महंगी फीस है। कितनी फीस है? 68,000-70,000 पूरे कोर्स की। पूरे कोर्स की मक्वारी में भी इतना ही है, बट मैं एवरेज स्टूडेंट हूं, मेरे को तो वो भी नहीं मिली। स्कॉलरशिप मिलती है ना, 6 GPA थी ना सेकंड ईयर यूनिवर्सिटी इंडिया, तभी तेरे को नहीं मिली स्कॉलरशिप। मेरे को तो पूरी मिली थी $20,000 की 2 साल की। नींदारी बहुत तेज भाई, भूख भी लग रही है, क्या खाएं। तो वही सबसे पहले हम लोग आए हैं कोल्स, तुम्हें पता ही है कोल्स क्या है, कोल्स सुपरमार्केट है यहाँ पे। और इसके बाद हम लोग जाएंगे इंडियन स्टोर, इसके ऐसे इसने बोला है, पर ऐसे क्यों करेंगे हम भाई? इंडियन स्टोर पे ना वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह सस्ते मिलते हैं। हाँ, तो वो रखिए गर्मी। कौन कौन सी वेजिटेबल लेना पसंद करता है? बैंगन वगैरह ले लेता है? बैंगन लौकी मेरे को बहुत पसंद है, बैंगन, बट मैं बनाता नहीं है सब। वो वेजिटेबल सॉटे करके खाते हैं भाई, ऑस्ट्रेलियन स्टाइल। ओके नाइस, आ गया जी चोल्स। तो भाई हम लोग घुस चुके हैं इंडियन स्टोर में, ठीक है। ये पूरा इंडियन स्टोर है, बहुत बड़ा है, वेरी नाइस, वेरी नाइस है ना। ये क्या लिया सबसे पहले तूने, कितने के है भाई? अनियन सर $6। कितने किलो? 5 किलो, 2 किलो, सॉरी, नॉट बैड। खीरे तो तेरे को बड़े पसंद है लेने, ये कितने के है भाई? $2। कितने केजी? नाइस, किलो टेस्ट करके देख रहे हैं किलो हुआ कि नहीं। और भाई ने लिए हैं छोटे टमाटर, ये $2 का एक है, $4 के दो, तो $2 का एक ही तो हो गया लहसुन। फिर उसके बाद हमने लिए लहसुन, ये कितने के है? ये भी ऐसे $2.50 के। तेज बोल, $2.50 के, ठीक है। और बाकी ये सब पे ये सारे मसाले $1.50, $2। और ये कैरेट्स 99 सेंट्स। और यहाँ पे अंडे लगे हुए हैं, 60 अंडे लगे हुए हैं $10 के, $6 ईच है, और $10 एक। तो भाई ये सारा देखो, ये सारा सामान लगा हुआ है, हमको नहीं लेना। और क्या ले रहा है? विनेगर कहाँ डालता है? चाउमीन वगैरह बनाता है ना तू? और कह रहा है मैं डाइटिंग करूंगा आज से, हेल्दी लूंगा ग्रोसरी। अभी तक बोला है मैंने किसी को डाइटिंग करूंगा? बोला है भाई मेरे को, कान में बोला था ब्रो, आज अच्छी अच्छी चीजें खरीदेंगे ताकि लोगों को लगे कि हम डाइटिंग कर रहे हैं, पर हम करेंगे नहीं। मैं ठीक है। और ये भाई यहाँ पे बेसन वेसन लगा हुआ है, ठीक है, मेज फ्लावर, मेरे को पता नहीं क्या बोलते हैं, बट ये रेट देख लो, सारे स्क्रीनशॉट ले लो जिसको जो चाहिए। यहाँ पे नौर के भी सूप मिलते हैं जो हम इंडिया में पीते थे। अच्छा, ये नौर दूसरा वाला भाई, ये रशियन है क्या? कोई पढ़ के बताना क्या ये? रशियन भी तो पसंद है वैसे हमको। और ये यहाँ पे चावल लगे हुए हैं भाई, देख लो, $18-19 के 5 किलो चावल, सबके अलग अलग रेट है, जो आपको लेना है यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ऐसे घुमाता रहूंगा कैमरा।
हमको लेने हैं चावल। और ये ऑयल लगा हुआ है, ये देख लो कितना सारा ऑयल है, मैं $16 का ऑयल है। कितना लीटर है? 5 लीटर। और फिर ये ऑलिव ऑयल भी लगा हुआ है यहाँ पे, ये $27 का कितना है? 4 लीटर। ये क्या है? और भाई यहाँ पे दालें दूले लगी हुई है, ठीक है, इसका भी रेट देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एक एक बताएं लग गया तो हो गया मेरा व्लॉग। ये देखो ये आंटी की फोटो बनी है इसके ऊपर, और ये आंटी की क्या है, उड़द वाली दाल है $4 की 1 किलो, तो ये हिसाब यहाँ लगा हुआ है भाई। ये यहाँ पे चिप बिस्किट्स लगे हुए हैं, क्रैक जैक अपने, इसका रेट नहीं लिखा, नहीं तो बता देता मैं, $3-4 ठीक ठीक लगा ले ना, आपका ना मेरा रेस्टोरेंट। और ये रेडी टू ईट आइटम्स है, ये मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि कितना ही खा लोगे, 10 दिन खा लोगे पेट खराब हो जाएगा, है ना नितेश? हाँ, कुछ चीजें अच्छी होती है, जैसे साग हो गया, हाँ। आप बना नहीं सकते, बट आप रेडी टू ईट ले सकते हैं, हम लोग लेते हैं, बना सकते हो आप, हमसे नहीं बनता। नहीं नहीं, मेरे को आता है ना। अच्छा, ये वाला किस कंपनी का लेना? हाँ, नॉट स्पॉन्सर्ड, टेस्ट अच्छा है यार, इंडिया वाला आता है। और क्या लेना चाहता है? पापड़ लेने? लिज्जत पापड़ है। और यहाँ पे अचार भी बहुत ज्यादा हॉट रहते हैं, जस्ट लाइक लेमन, नहीं कुछ नहीं। ये मिलगी भैया, सारा सामान मिल जाता है आपको फ्रोजन, वो दही कबाब, वाओ ले सकते हैं हम। और ये क्या है? वो हाँ ऑलिव, वो साइड वाले ऑलिव है, इस साइड वाले पता नहीं। और दही लगी हुई है भाई, मेन मेन चीजें देख लो, दही है ना, हाँ $5 की 2 किलो। तो भाई यहाँ पे फ्रूट लगे हैं, नितेश ने बोला यहाँ से इन लेने। पकड़ी हुई इसको, टेढ़ी चल रही है। तो भाई हमने इंडियन ग्रोसरी कर लिया और हमको बड़ी $44, कितना सेंट? समथिंग सेंट। और अभी हम लोग जा रहे हैं कोल्स, इसके बाद एलडी से भी थोड़ा सा लेना है, उसके बाद कोल्स जाएंगे। तो ये भाई हमारा टर्की भी खाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा वो है ये टर्की, टर्की बहुत है। ये टर्की लेनी है, टर्की एलडी में भी आपको ग्रोसरी मिल जाती है, बट यहाँ पे आपको वैरायटी ज्यादा नहीं होती, बट यहाँ पे कुछ कुछ अच्छी चीजें भी बहुत ज्यादा होती है, जैसे बहुत सारी चॉकलेट, ये वाली बड़ी अच्छी होती है, पर मैं लूंगा नहीं, मैं डाइटिंग कर रहा हूँ ना, मैं गुड बॉय। तो भाई को तेल लेना था, कौन सा लिया है? कोकोनट। इससे क्या होगा भाई, हेल्दी होता है। सांडे का तेल नहीं लेना? तो भाई अब अपने अंडे ले रहा है, कितने के अंडे नितेश? $3.49 के, यहाँ से भाई ने अंडे लेने। कितने अंडे ले लिए? तो भाई ये ट्रॉली टेढ़ी टेढ़ी चल रही है, सीधी चल ही नहीं रही, मैं सीधी चलाऊंगा ना अभी, इसकी अलाइनमेंट खराब है मेरी गाड़ी की तरह। ये देखो ये आम लगे हुए यहाँ पे $1.80 का एक, नहीं भाई पूरी पेटी ले रहा है, तभी तो उसका वेट कम नहीं हो रहा, हेल्दी भी ले रहा है, बस ज्यादा ले रहा है, नहीं ले रहा, नहीं ले रहा, ले 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 ले। तो भाई अदरक आज भी 2000 रुपए किलो है, देख लो, और इतनी सोनी भी लग रही है आज, 2000 रुपए किलो अदरक है, अमीर ही देख रहे हो लड़के में। भाई आलू भी ले रहा है, ये तो बेसिक चीजें है ना। तो भाई हमने दूध ले लिया, बहुत सारे वहाँ बहुत सारे अंकल खड़े थे इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। दूध है $2.60 का, और भाई चाय 900 ग्राम $11 की, बादाम मिल्क भी है, फ्रूटी भी है, वाह। और भाई यहाँ पे मैगी भी है $3.50 की, यही आपको सेम चीज इंडियन ग्रोसरी पे महंगी मिलेगी, तो कोल से लिया करो मैगी, ज्यादा बड़ी है ले लेना, बड़ी चीज तो तेरे को पसंद है लेनी, चल नहीं। अरे सीधी चल ले भाई, अब भाई हमने सब कुछ मिक्स कर दिया, आधी चीज इंडियन स्टोर की, आधी एलडी की, और आधी यहाँ पे आ गया, पता नहीं कौन सा यहाँ पे बिल कराना है। कहाँ जा रही है भाई ये ट्रॉली, सीधी नहीं चल रही। और मेरी गाड़ी की बड़ी बहन, सनरूफ भी लग रहा है इसमें तो। तो भाई हमारी पूरी ग्रोसरी हुई एक जगह, हमने $44 पे करे, मतलब नितेश ने करे एक जगह, हमने कितने पे करे एलडी में, कितने थे 42 एलडी में करे, उधर 44 करे, और लास्ट में हमने कितने पे करे 35। तो कैलकुलेट कर लो अपनी, $120 के अराउंड हमारी ग्रोसरी हो गई है, और ये चलेगी 10 दिन, और ये 2 बंदों की 10 दिन चलेगी, तो इसी हिसाब से अगर हम ऐसे करते चले तो $300 की महीने की ग्रोसरी होगी, 2 लोगों की तो 150 की एक ही। और मस्त सारे सामान ले लिया, आज तक मैंने इतनी हेल्दी ग्रोसरी शॉपिंग नहीं करी कभी भी। मैं हमेशा ग्रोसरी करने जाता था, कुछ ना कुछ कूड़ा उठा के लाता था, हरप्रीत भाई के साथ गया था ग्रोसरी करने में, बियर की पेटी उठा ली ग्रोसरी, ये सब यहाँ पे हमने नहीं लिया है, यहाँ हमने सब हेल्दी करा। ओए ओए ओए, गाड़ी में लग रही है ट्रॉली, रख लो ये पूरी ट्रॉली, रखते पीछे डिक्की में। और ये देखो भाई पिकनिक का पूरा सामान रखता है अपने बैग में, कभी भी जाना पड़ सकता है यार, देखो ग्लासेस है, नैपकिन है, कोक है, पानी भी है। तो भाई नितेश कभी भी छोटे चिप्स के पैकेट नहीं खरीदता, ये देखो इसके मुंह से भी कितना बड़ा पैकेट है, अंकल चिप्स नहीं पापा चिप्स, लिटरली भाई पूरी विंडशील्ड ढक देगा इतना बड़ा है। मेरी उबर मुझे नहीं लगा इसी करके नहीं चल रही, क्योंकि मेरी गाड़ी न्यू साउथ वेल्स रजिस्टर्ड है, और यहाँ के लिए आपको विक्टोरिया की रजिस्ट्रेशन चाहिए, उसके अंदर लग जाएंगे $500-600, और उतना तो है भी नहीं। तो भाई ये है हमारी आज की कुछ ग्रोसरी, और नितेश ना धीरे धीरे करके अंदर लेके आ रहा है, मैं पूरी देख रहा हूँ कि पूरी सही है कि नहीं आई। ब्रो जल्दी जल्दी लेके आना, क्या कर रहा है इतनी स्लो, जल्दी जल्दी लेके चलना अंदर। तो भाई हम सारी ग्रोसरी अंदर ले आए, और तू क्या रिकमेंड करता है कहाँ से लेनी चाहिए, क्या चीज है मेलबर्न में?
ग्रोसरीज में आप वेजिटेबल्स और वो सब लेना चाहते हैं तो इंडियन स्टोर्स या फिर कोई भी ऑजी स्टोर जो वेयर हाउस टाइप लोकल स्टोर्स लोकल स्टोर्स बेसिकली या लोकल मार्केट्स लगती हैं हर जगह हर सब में। फ्रूट मार्केट भी होती है, वेजिटेबल मार्केट्स भी होती है, जैसे वहाँ पे मंडी नहीं होती, यहाँ नहीं होती, होती है यहाँ पे फार्मर्स मार्केट होती है, हर सब की अलग अलग फार्मर्स मार्केट लगती है और बहुत सस्ता मिलता है, $20 में आप लोग जितना हम लेकर आए सब्जी उतनी लेकर आ सकते हो। हाँ, बाकी छोटा मोटा सामान यहाँ से ले लो, बड़ा सामान जो जहाँ पे आपको वैरायटी वगैरह चाहिए, सॉसेस वगैरह चाहिए, कोल्स वगैरह से ले लो, बाकी सही दबदबा बना के रखो। और बल्क में चाहिए तो कॉस्टको, हाँ बल्क में चाहिए तो कॉस्टको, पर वो बहुत ज्यादा ही हो जाती है। नहीं तो अगर आप लोगों वीडियो इतनी अच्छी लगी तो है तो लाइक कर देना, गुजारिश की सब्सक्राइब कर देना, थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी, और लाइक जरूर छोड़ के जाना। आप लोग लाइक नहीं करते बहुत तेज, और फ्रिज हमारा खुला हुआ है, बंद करते हैं, सब्जी अंदर डालते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लव फ्रॉम मेलबर्न। यार चार अंडे हैं, दो तू लेके जा, दो मैं दो ही उठा सकता हूँ एक बारी में, हमें भी दो ही लेके जाना है ना, तेरे पास नहीं, तेरे पास ना, चल तू करा दे रजिस्टर, करा ले, दिल बड़ा होना चाहिए, वेरी नाइस, ही इज अ गुड मैन। तो लड़की भी ढूंढ रहे हो ना? मैं हाँ। तो हस्बैंड एप्लीकेशंस निदेश से दिया कंसीडर अबे वाईफाई एप्लीकेशंस पे, अरे मतलब वाईफाई नहीं तू कंसीडर नहीं, लड़कियों को बोल रहा करो हस्बैंड एप्लीकेशन, मैं भरूं उधर प्रोफाइल भेज दियो, अपनी सीवी लगा दियो, मेरे डिस्क्रिप्शन में अपना सीवी लगा दियो लड़कियां।